पता नहीं क्यों इसके नखरे हो रहे हैं बहुत ज्यादा। बैनी के नखरे भी ना पता नहीं कौन ही हैंडल करे, हम तो कर नहीं पाते, पर फिर भी इतनी गर्मी है ना गाइस। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब, आशा करता हूं एकदम बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के पता नहीं कितने बज रहे हैं, 12:28 हो रहे हैं एंड अभी मैं पढ़ रहा हूँ। ये देखो, नहीं विश्वास होता गाइस, देख लो बुक खुली हुई है। अभी तक सिर्फ एक ही सम किया एंड मेरी दीदी हेल्प कर रही है। मेरी दीदी वो मेरे को आते नहीं, हर बार जब भी मेरे आज तक पेपर हुआ है कभी ऐसा नहीं हुआ कि दीदी नहीं है मेरे साथ। मैं दीदी होते थे तो करा देते थे मुझे, बट आज नहीं है तो ऑनलाइन ही करा रहे हैं वो मुझे। मैंने उन्हें बुक का PDF भेज दिया, वो सम्स भेज देंगे मुझे करके। एंड ब्लॉग तो 3 बजे आएगा जैसे कि मैंने नया टाइम जारी कर दिया। एंड बैन यहाँ पे सो रहा है, ये देखो। ओह अभी यहाँ सो रहा था ना, मुझे लगा यहाँ ये जगह चेंज कर ली इसने। बैनी सो रहा है क्या बात। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 5:51 एंड मैंने काफ़ी देर से ब्लॉग नहीं बनाया। मैं बेबी आधे घंटे पहले सो गई उठाऊँ, क्योंकि गाइस मेरे यहाँ पे ना बड़े वो एलर्जी हो गई थी जहाँ पे उसने काटा था मधुमक्खी ने, तो फिर उसके लिए मुझे दवाई खानी पड़ी। वो ना फैल गया था पूरा, रैशेज से हो गए थे तो दवाई खानी पड़ी। दवाई खाने से नींद आती है तो मैं 2 घंटे 4 से 5 1 घंटा सो के उठा था। एंड अभी मेरा मैथ्स के पेपर की तैयारी थोड़ी रहती है तो इसलिए मेरी दीदी मुझे जूम पे मीटिंग लगाएंगे, तो अभी मेरे को लगानी है वही 10-15 मिनट में। एंड बहन यहाँ पे बैठा हुआ है, अभी वैसे एक साइड का फेस उठ गया, लाइट चली गई आगे, नहीं तो इसी में बैठे होते। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, वहाँ पर कूलर की भी हवा का पता नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लिक्विड कूलर से भी गर्म हवा ही लग रही है। इतनी गर्मी हो गई है एकदम से ही, यानी इतनी गर्मी हो गई है। एंड मेरे मम्मा भी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और मैं भी नींबू पानी पीऊँगा सो के उठाऊँ, तो थकावट हो रही है थोड़ी सी, तो एनर्जी के लिए हम पियेंगे नींबू पानी टेस्टी टेस्टी। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं पूरे 8 बज रहे हैं, 8:01 हो रहे हैं। एंड गाइस अभी लिटरली बहुत गर्मी है, लाइट अभी भी नहीं आई इधर की, एक फेस अभी भी उड़ा हुआ है, पहले दोनों चले गए थे फिर एक आ गया उधर का, इतनी गर्मी है ना गाइस क्या बताऊँ। अभी कूलर चलाया है वहीं, वहाँ पे बैठा है एंड पानी भर रहा हूँ नहाने के लिए। देखो अभी यहाँ पे आ गया गर्मी में, इसको ना ये वाला रूम फंप गया, इसको लगता है यहाँ पे एसी चलेगा, एसी चलेगा। बहनी रुक जाए अभी चलाएँगे थोड़ी देर में गाइस लिटरली। एंड मेरे यहाँ पे वो एलर्जी व्यलर्जी सब हो गई थी ना, तो मैंने दवाई खाई, मैंने आपको बताया, तो मैं सो गया था, तो फिर मैं अभी उठाऊँ। एंड मेरी दीदी ने मेरी जूम पे मीटिंग ले लिया अच्छे से, तो मेरी पेपर की तैयारी पूरी हो चुकी है। मेरी दीदी बहुत छुड़ाते हैं, थैंक यू दीदी अगर आप वीडियो देखते हो, वैसे वो देखती नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोली जा रहा हूँ नहीं देखती, उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ क्या यार। चलो कोई हमको कोई प्रॉब्लम ऐसी है नहीं, भड़ास है नहीं ऐसे। एंड गाइस आज भी मूवमेंट का मैच है, मैं मैच ही कर रहा था, तो पढ़ाई की मुझे कोई फिक्र ही नहीं है। अगला पेपर की तो गाइस मुझे कोई चिंता ही नहीं, हिंदी का है, मेरी मम्मा हिंदी की टीचर है, हो जाएगा राम राम भरोसे। सो गाइस अभी 8:22 हो रहे हैं एंड मैं नहा धो के रेडी होके आ चुका हूँ। एंड अभी एक प्रॉब्लम हो गई कि बहन कुछ नहीं खा रहा, दोपहर से इसने रोटी नहीं खाई है। आजकल पता नहीं क्यों इसके नखरे हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, बहनी के नखरे भी ना पता नहीं कौन ही हैंडल करे, हम तो कर नहीं पाते, पर फिर भी इतनी गर्मी है ना गाइस। अब लाइट ने तो दिमाग ही खा लिया, अब दोबारा चली गई, अब बताओ इतनी गर्मी में सड़ रहा हूँ मैं लिटरली, तो नहीं कब आएगी लाइट। तो पहले ही एसी नहीं चल रहा, कूलर भी नहीं चल रहा, कूलर चल रहा था तो चलो ठीक है, मैच भी नहीं देख, मैच की इतनी वो नहीं है, कूलर होना थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है, खाना भी कैसे खाएंगे इतनी गर्मी में बैठ के। लिटरली गाइस बहुत गर्मी हो चुकी है, बर्दाश्त से बाहर वाली हो चुकी है, बारिश भी नहीं आ रही, कितने दिन हो गए बारिश नहीं, 10-15 दिनों से, 10 भी नहीं कम है, 6-7 दिनों से बारिश ही नहीं आई, पता नहीं क्यों। मैं कहता हूँ एक बार आ जाए मस्त वाली बारिश, मज़ा आ जाएगा एकदम, मस्त वाली लाइफ हो जाएगी। एंड गाइस आज मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं तबीयत ठीक नहीं, मतलब कि इतनी खारिश हो रही है ना अभी भी, पर मैं वो बर्दाश्त करने की वो होनी चाहिए, दवाई खा ली थी उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है, और वो 3 दिन तक खानी है, आज कल और परसों तो थोड़ा ठीक हो जाएगा, आज से बिल्कुल कम हो गया, मैं पाउडर लगाया फिलहाल, पहले बिल्कुल लाल लाल हो गया था, बिल्कुल दाने दाने से हो गए थे, जैसे वो ना जैसे चिप चपाक कुछ ऐसा मेरी मम्मी कहती है, बाकी पता नहीं।
ऐसे हो जाते, इतना लाल लाल हो गया था ना, उंगली तक पहुंच गया। जहाँ जहाँ भी मधुमक्खियों ने काटा ना, वहाँ वहाँ पे हो गया, गले पे यहाँ पे भी हो गया, कान के पे, बस यहाँ पे नहीं हुआ। भगवान बस यहाँ पे करना ही मत यार, इतने लिटरली मेरे को पता है कितनी वो होती है, मुझे खारिश इतनी हो रही है ना, सारा खुरा चुभू अंदर से। एक तो ये गर्मियों में भी प्रॉब्लम, मुझे आज पहली बार ही हुई है मधुमक्खियों ने मेरे को आज तक कभी नहीं काटा, पहली बार ही काटा है। चलिए गाइस क्या हो रहा है मेरे साथ आजकल। सो गाइस अभी रात के 10:57 हो रहे हैं, 11 बज चुके हैं एंड अभी भी उस कमरे का फेस नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों गाइस मेरा तो दिमाग लिटरली खप गया है। 4 बजे का क्या हुआ, 7 घंटे हो गए अभी तक वहाँ का फेस आया ही नहीं, यहाँ का आगे कूलर में इतनी गर्मी लग रही है, मर रहे हैं हम लिटरली। मुझे याद आता है एक दिन चली गई थी गाइस रात को 4 बजे आई थी, तब तो 9-10 बजे जाके 4 बजे आई थी, 4 बजे दोपहर 4 बजे गई हुई, अभी तक आई नहीं 11 बजे। मुझे याद है गाइस इतनी गर्मी थी, मैं टी शर्ट उतार के नंगा बार बार 1-2 बजे 3-4 बजे लिटरली आज तुम्हें कुछ ना डर लगता था, मैं यहाँ बाहर ऐसे घूम रहा था रात को 4 बजे। मानो के नीचे बहने हमारी दुकान में बैठा हुआ था गर्मी में, चढ़ को 4 बजे उसे मैं वहाँ से लेके आया, वहाँ से लेके आने के बाद उसे मैंने AC चलाया यार, AC के लिए नहीं हो पा रहा यार मेरा गुजारा, इतनी गर्मी है लिटरली गाइस। एंड ज़्यादा कोई ब्लॉग नहीं बना उसके लिए सॉरी, मेरे पेपर की तैयारी जो हो गई है जैसे तैसे, तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।